एमपी के गुना राघोगढ़ ग्रामीण क्षेत्र विजयपुर में रुठियाई विद्युत मंडल से लटकी अंधकार की तलवार। अंधेरा एवं उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक उमस के कारण जहां लोग बीमार हो रहे हैं, वहीं रात्रि में अंधेरे के कारण जहरीले जीव जंतु का खतरा भी बना रहता है। रुठियाई विद्युत मंडल के अंतर्गत आने वाले विजयपुर गाँव में 8 रोज से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सुपरवाइजर साहब कहते हैं हमारा ट्रांसफार्मर रख दीजिए, लेकिन सुपरवाइजर कहते हैं कि पहले बिल जमा कीजिए। लोगों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं का बिल जमा है उनको लाइट दी जाए और जिनका बिल जमा ना हो उनकी लाइट काट दी जाए, जबकि उक्त जला हुआ ट्रांसफार्मर 1 माह पूर्व ही विद्युत मंडल द्वारा रखा गया था। कई जगह केबल भी टूटी पड़ी है, जिसके कारण बरसात में आए दिन विद्युत फॉल्ट होती रहती है एवं करंट फैलने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर 2 रोज में ट्रांसफर सही नहीं रखा गया तो हम चक्का जाम करेंगे। उन पे जब जाके सुधरे हैं तो केस बना तो एक जी केस नहीं बना के चल रही मनमर्जी से। और अब हमारे मीटर मतलब बिल जमा हो लाइट नहीं आ रही, रीडिंग हो रही और बिल आ हो तो ही जी। तो जो जो का कानून है रीडिंग भी मनचाही आ रही है। नहीं जब रीडिंग अबे हो रही है लाइट नहीं है और बिल पे तो ही आओ नहीं आओ डीपी बंद है हां आना चाहिए तो बिल जमा उनके डी बिल कम करना चाहिए नहीं उन्हें जी बंद करना चाहिए। लाइट अपन नहीं दे रहे अपने कागज में भरी पड़ी है जी। ठीक है भैया ओके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।